कुर्मा की आमद आमद, सब्जियों की दुकानों पर दुकानदारों की मनमानियां जारी हैं। टमाटर रेट लिस्ट पर 65 रुपये, मार्केट में 80 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सब्ज मिर्च रेट लिस्ट पर 64 रुपये, जबकि मार्केट रेट पर 100 रुपये मिल रही है। तफसीलात जाने के घड़ी शॉप में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना फहद से। राना फहद, आगाह कीजिएगा। ईद कुर्बान के करीब आते ही जो है वो सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त गड़ी शाहू रेलवे शेड मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर बात की जाए रेट लिस्ट की तो रेट लिस्ट मेरे हाथ में है और जो कीमतें इस पर दर्ज हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो कीमतें वसूल की जा रही हैं। अगर बात की जाए टमाटर की, जो ईद कुर्बान पर जो है वो अशद ज़रूरत है, हर घर को टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर वगैरह, और यहाँ पर जो उसकी कीमत है, टमाटर की कीमत 65 रुपये ये रेट लिस्ट पर दर्ज है। मगर यहाँ पर अगर बात की जाए मार्केट में तो ये जो है वो टमाटर 80 से लेके 110 रुपये तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, क्या कहना है इनका। ये रेट लिस्ट अनाज लगाते नहीं हैं ताकि अवैधा नहीं करते, ताकि गाहक को पता ना लगे। जो गाहक मुतालबा भी करता है उससे ये तकरार करते हैं कि ये आप यही रेट है हमारा, इससे भी आप इसी भी आप खरीदें, ठीक है। और वो जो कॉमन आदमी है वो ज़्यादातर वो मुतालबा भी नहीं करता, वो कहता है ठीक है यार, ये मजबूरी है मेरी, या सारे दुकानदार यही रेट है। अच्छा, आप बताएं मुझे, आप भी ख़रीदारी के लिए आए हैं तो क्या कीमतें आपके बस में हैं ये खरीदने के? बिल्कुल कीमतें हमारे बस में नहीं है। जो चीज़ मार्केट में रेट सेट के ऊपर 40 रुपये है वो यहाँ पे 60 रुपये, 50 रुपये मिलती है। आलू, प्याज, अदरक, टमाटर, हर चीज़ 20-30 रुपये फालतू यहाँ मिलती है। और ये है कि यहाँ पर कोई लिस्ट के ऊपर जो मेंशन होता है वो इधर लिस्ट दिखाई नहीं जाती है। तो आपने ख़रीदारों की भी बात सुनी, उनका कहना है जी हमारी भी मजबूरी है ख़रीदना। और दुकानदारों की अगर बात की जाए तो दुकानदार जो है वो ऑन कैमरा बात नहीं कर रहे, उनका कहना है कि अगर हम जो है, क्योंकि ये रेट लिस्ट पे जो चीज़ें दर्ज हैं उस हिसाब से हमें जो है वो अशिया नहीं जो है वो फरोख्त की जा रही, हमें नहीं मिलती, और हम आगे फरोख्त कैसे कर सकते हैं। और सूरत हाल यहाँ पर यह है कि कोई भी चीज़ इस रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो आवाम को फरोख्त नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया आपका राना फहद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।